अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप सो आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल, दैट इज़ मिस रिमशा ऑफिशियल चैनल। उसके बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं और अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज जो है, जैसे कि थंबनेल से ही शो होता है कि हम जो है डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल वर्क, जिसमें हम माइटोसिस के प्रैक्टिकल वर्क को डिस्कस करेंगे कि माइटोसिस को हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ रूट टिप स्क्वेशेस, जो ऑब्जेक्टिव है, हमें ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है कि हमने प्रिपेयर करना है रूट टिप जो है उसके स्क्वेशेस को, ठीक है, ताकि हम माइटोसिस के डिफरेंट स्टेजेस की स्टडी कर सकें। तो द नंबर ऑफ सेल्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस बाय माइटोसिस। जो नंबर ऑफ सेल्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो इंक्रीज होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? माइटोसिस की वजह से। एंड दिस इज़ द बेसिस ऑफ ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इस वजह से ये क्या है, ये ग्रोथ की मेन वजह है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। प्रॉब्लम क्या है? वाइल ऑब्जर्विंग द सेल फ्रॉम द टिप ऑफ एन ऑनियन रूट, वी कैन वी आइडेंटिफाई सेल इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। यू मे यूज योर टेक्स्ट बुक टू हेल्प यू आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो सेल्स को, ऑनियन रूट टिप के सेल्स को, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस जो है माइटोसिस के? ठीक है, आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, रेफरेंस के लिए अपने टेक्स्ट बुक को अपने पास रखना है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके कि जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कौन सा स्टेज है माइटोसिस का। अब एपरेटस जो आपको रिक्वायर्ड होंगी, सबसे पहले है माइक्रोस्कोप, ठीक है, फिर स्लाइड्स हैं, ठीक है, फिर फ्रेश ग्रोन ऑनियन टिप है, 5 to 10 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर है, 5 मिलीलीटर 6 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, 1 मिलीलीटर फ्यूजन रीजेंट है इन अ वायल, अच्छा, फिर है ड्रॉपर पाइपेट, बीकर एंड अ पेंसिल विथ रेजर, पेंसिल और रेजर चाहिए, या फिर आपको स्मॉल कॉर्क चाहिए ताकि आप स्लाइड को स्क्वैश कर सकें, यानी प्रॉपर उसको दबा सके, उसको निचोड़ सके, ठीक है। या और आपको क्या चाहिए, टूथपिक्स चाहिए। तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो आपके पास होनी चाहिए वो क्या है, ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म इज केयरफुली कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटिंग द सेल साइकिल। जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो केयरफुली कौन कंट्रोल कर रहा है, सेल साइकिल की रेगुलेशन कंट्रोल कर रही है। इन प्लांट्स द रूट्स कंटिन्यू टू ग्रो। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो रूट है उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, कंटिन्यूएशन में हो रही है। द टिप्स ऑफ रूट आर गुड फॉर स्टडिंग द सेल साइकिल बिकॉज एट एनी गिवन टाइम वी कैन फाइंड सेल्स दैट आर अंडरगोइंग माइटोसिस। द टिप, जो टिप है रूट की, वो गुड है किसके लिए, सेल साइकिल की स्टडी के लिए, क्योंकि किसी भी गिवन टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, सेल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि हम माइटोसिस को ऑब्जर्व कर सकें। स्लाइसिंग द ऑनियन रूट कैप्चर मैनी सेल्स इन डिफरेंट फेजेज ऑफ द सेल साइकिल। ऑनियन रूट की जो स्लाइस हैं उसको जो हम कैप्चर कर रहे हैं, उसमें आप जो है बहुत सारे डिफरेंट सेल साइकिल को के फेजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें आए प्रोसीजर को देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है। तो टेक एन ऑनियन एंड प्लेस इट इन अ कप ऑफ वाटर। एक ऑनियन लेना है आपने और फिर आपने इसको पानी के कप में रखना है, सो दैट ओनली द रूट पोर्शन इज अंडर वाटर। इस तरह से कि सिर्फ जो रूट का पोर्शन है, नीचे वाला जो हिस्सा है, वो पानी में रहे। टू डू दिस पुश टूथपिक इन टू द साइड ऑफ द ऑनियन। इसको करने के लिए आपने क्या करना है, टूथपिक जो है ना उसको पुश करना है ऑनियन के साइड पे, विच एक्सटेंड आउटवर्ड, जो कि आउटवर्ड निकल रहा हो, बाहर निकल रहा हो, एंड होल्ड इट ऑन द रिम ऑफ द कप, और कप के किनारे पे जो है उसको सपोर्ट कर रहा हो।
न्यू रूट्स शुड ग्रो विद इन 2 डेज, जो नया रूट है वो ग्रो हो जाना चाहिए 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। यानी कि सिंपल से आपने क्या करना है, एक कप लेना है, कप के अंदर आपने वाटर रखना है और फिर ऑनियन को आपने टूथपिक की मदद से इस तरह से उस पानी के ऊपर जो है रखना है कि वो पूरा डूबे नहीं, इतना डूबे कि उसका रूट जो है ना, उसके रूट्स जो है वो पानी में रहें, ठीक है। अब 2 दिन तक आपने उसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि जो न्यूली रूट है ना, वो रूट टिप्स हैं वो निकल जाएं, ठीक है, या जो रूट हेयर्स हैं वो निकल जाएं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, प्री हीट अबाउट 10 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ स्मॉल बीकर टू 60 डिग्री सेल्सियस यूजिंग अ वाटर बाथ। वाटर बाथ को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो 10 मिलीलीटर है बीकर का, स्मॉल बीकर का, उसको प्री हीट करना है। उसको पहले हल्का सा हीट करना है और मतलब कि इतना हीट करना है कि उसका टेम्परेचर जो है 60 डिग्री सेल्सियस हो। और ये आपने किसकी मदद से करना है, ये आपने वाटर बाथ की मदद से करना है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर अगर हाई हो गया तो, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो ख़राब होने के चांसेस हैं। फिर क्या करना है, यूजिंग सीजर, सीजर को यूज़ करते हुए आपने रिमूव करना है लास्ट के 2 मिलीमीटर फ्रॉम सेवरल ग्रोइंग रूट टिप्स, ठीक है। बहुत सारे सारी जो रूट टिप्स की ग्रोथ है उसको आपने कट कर देना है 2 मिलीमीटर तक, ठीक है। प्लेस देम इन द प्री हीटेड एसिड, और फिर उसको आपने कहाँ पे रखना है, प्री हीटेड एसिड पे रखना है, और फिर दोबारा से आपने वाटर बाथ में डाल देना है 4 to 5 मिनट्स के लिए। फिर आपने जेंटली आराम से ट्रांसफ़र करना है हर एक रूट टिप को क्लीन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे, ठीक है। स्लाइड जो है उसमें आपने रूट टिप्स को रखना है और उसमें 2 वाटर के ड्रॉप्स डालने हैं। जेंटली ब्लॉट ड्राई विथ अ पीस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, फिर आपने सॉफ्ट टिश्यू की मदद से उसको आराम से बिल्कुल ड्राई कर देना है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमूव एज मच वाटर एज पॉसिबल, ठीक है, ये ज़रूरी है, जितना वाटर आप उसमें से रिमूव कर सकते हैं उतना अच्छा होगा, ठीक है। फिर क्या करना है, यूजिंग अ डाइसेक्शन नीडल, डाइसेक्शन नीडल को यूज़ करते हुए थॉरली चॉप अप द रूट टिप, रूट टिप को जो है आपने अच्छे से चॉप करना है एंड स्प्रेड ओवर एन एरिया एक्यूवेलेंट टू द साइज ऑफ 1 रुपी कॉइन, ठीक है। और उस रूट टिप को आपने इतना फैला देना है कि वो 1 रुपी कॉइन के साइज के बराबर फैल जाए। अल्टरनेटिवली यू कैन प्लेस एन अदर माइक्रोस्कोपिक स्लाइड एट राइट एंगल टू द ओरिजिनल स्लाइड टू फॉर्म अ क्रॉस एंड स्क्वेश द टिप बिटवीन द 2 स्लाइड, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आपने क्या करना है, आपने एक और स्लाइड लेना है और उसको आपने राइट एंगल पे रखते हुए जो आपका ओरिजिनल स्लाइड है उसको जो है दबा देना है ताकि जो टिप के जो स्क्वेशेस हैं वो आपस में जुड़ने के बाद आपको मिल जाए, ठीक है। प्लेस द कवर स्लिप ओवर द ब्रोकन टिश्यू ट्राइंग नॉट टू गेट एयर बबल अंडर इट। आपने क्या करना है, कवर स्लिप से उसको प्लेस करना है, यानी कि कवर स्लिप जो है ना, एक स्क्वायर जैसा जो है, एक मटेरियल जिस मटेरियल से, जिस गिलास से आपका क्या कहते हैं स्लाइड होता है ना, जिस ग्लास से, जिस मटेरियल से आपके जो स्लाइड्स होते हैं उसी मटेरियल से जो है ना, एक बारीक सी बिल्कुल कवर स्लिप होती है जो कि आपके स्पेसमैन को कवर करने के लिए होती है। तो आपकी जो स्लाइड है उसमें आपने क्या करना है, कवर स्लिप जो है उसको प्लेस करना है ब्रोकन टिश्यू के ऊपर, ताकि जितने भी, और उसको जेंटली प्रेस करिएगा ताकि जितने भी बबल्स हैं ना उसके अंदर वो सारे निकल जाएं। प्रेस डाउन फर्मली ऑन टू द कवर स्लिप विथ अ स्मॉल कॉर्क। अब आपने क्या करना है, कवर स्लिप के ऊपर जो है प्रेस करना है स्मॉल कॉर्क की मदद से या फिर पेंसिल रेजर की मदद से, ताकि आप सेल को स्प्रेड कर सकें बहुत ही बारीक लेयर में। फॉर स्टेनिंग, स्टेन करने के लिए यानी कि उसको कलर देने के लिए, रिमूव द कवर स्लिप एंड एड 1 ड्रॉप ऑफ द स्टेन टू द मैसीरेटेड रूट टिप एंड इमिजिएटली कवर द विथ अ कवर स्लिप। फिर
फिर क्या करना है, स्टेन करने के लिए आपने क्या करना है, कवर स्लिप को रिमूव करना है और उसमें स्टेन डालना है, ठीक है। जो कलर आपने, जिस कलर से उसको स्टेनिंग करनी है, तो जो जिस रूट टिप पे आप, जो रूट टिप जिसके स्क्वेशेस बन चुके हैं उस पर आपने क्या करना है, 1 ड्रॉप डालना है और फिर दोबारा से जल्दी से आपने कवर स्लिप की मदद से उसको कवर कर देना है। प्लेस द स्लाइड ऑन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर आपने इस स्लाइड को कहाँ पर रखना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख रखना है। लोकेट ग्रोथ जोन, उसकी जो जोन ग्रोथ जोन है उसको आपने देखना है, विच इज जस्ट अबव द रूट कैप एट द वेरी एंड ऑफ द टिप, जो कि बिल्कुल किसके ऊपर है, रूट कैप के ऊपर है, बिल्कुल जो है एंड टिप के पास। फोकस इन ऑन लो पावर, अब आपने इसको कहाँ पे फोकस करना है, लो पावर में फोकस करना है, एंड देन स्विच टू मीडियम और हाई पावर, और फिर आपने उसको ऑब्जर्व करना है मीडियम में और हाई पावर में। फाइंड नोटबुक डायग्राम ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। अब आपने जो है नोटबुक, जो आपकी की टेक्स्ट बुक है, उसमें आपने देखना है डायग्राम्स में से, और उसमें देखना है 4 स्टेजेस माइटोसिस के, एंड यूज देम टू हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द स्टेज ऑन द माइक्रोस्कोप स्लाइड, ठीक है। और फिर जो आप माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में जो इमेज देख रहे हैं उससे आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपने कौन सा फेज जो है वो देखा है। ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी, ईच स्लाइड शो अ नंबर ऑफ सेल इन डिफरेंट स्टेजेस। हर एक स्लाइड में क्या हो रहा है कि सेल्स की कितनी तादाद है डिफरेंट स्टेजेस में, वो शो हो रहे हैं। एंड डार्कली स्टेंड एरियाज कैन बी ईजली डिस्टिंग्विश्ड, और जो एरिया डार्कली स्टेंड है उसको ईजली देखा गया है, देखा जा सकता है, ठीक है। फिर है इवेल्यूशन। इवेल्यूशन क्या किया है आपने, इवेल्यूट क्या किया है, अखस क्या किया है, तो कॉपी दिस टेबल ऑन टू अ पेपर, इस टेबल को आपने पेपर में बनाना है। यू कैन एंटर डेटा इन दिस टेबल एज यू अलोंग और एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है। अब आपने इस डेटा को एंटर करना है कि कितने सेल्स आपने देखे हैं, ठीक है, यानी कि जो आपकी कैलकुलेशन है ना माइक्रोस्कोप में, आपने काउंट करना है कि किस किस कौन सा फेज आपने देखा है और किस फेज के कितने सेल आपने देखे हैं। अब आप चाहें तो ये टेबल आप उसी वक्त पूरा नोट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप पूरे प्रैक्टिकल के बाद जो है फिर इस टेबल को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेजेस दिख रहे हैं, प्रोफेज के, मेटाफेज के, एनाफेज के और टीलोफेज के, ठीक है। अब आपको जो डायग्राम जो है स्क्वेशेस से कुछ इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। अब आपने उन स्क्वेशेस से आइडेंटिफाई करना है कि आपके जो सेल्स हैं वो किस से, जो डार्कली एरिया है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा डार्क कर दिया है, लेकिन जो डार्कली एरिया है वो कौन से फेस से मिल रहा है, तो आप यहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड कर सकेंगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है प्रैक्टिकल के हवाले से वो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।